हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन लॉस करवा। सो तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर बेस्ट। तो आज यहाँ पे ये जो एनएस आप देख रहे हो, ये मेरे फ्रेंड का बाइक है और इस पर मैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रखा हूँ ऑलरेडी। तो इसका क्या हुआ कि जो भाई है, ये सुबह काम को जा रहा था, काम पे जा रहा था और मॉर्निंग ए शिफ्ट था उसका। सो आते वक्त उसका जो घाय के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, उसका पीछे और एक बंदा था पिलियन, और जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और गाय तो फिलहाल के लिए नहीं है। और ये जो बाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आगे से पूरी तरह से फुल ये हेडलाइट गायब, और ये यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइड फेयरिंग, तो साइड फेयरिंग तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रिले है और उसका जो वे क्लैंप आता है ब्रैकेट, ये सब टूट चुका है। और ये मेजर डैमेज, ये दोनों मेजर डैमेज है। तो यहाँ पे डोमिनर का वाइजर यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो भी यहाँ पे गायब है और ये भी यहाँ पे कट चुका है। अंदर की तरफ दिखा देता हूँ। तो हेडलाइट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वायर कट चुका है, पता नहीं कौन सा वायर है। तो ये पायलट लैम्प का होल्डर है और एक होल्डर, हाँ ओके, यहाँ पे और एक होल्डर देखने के लिए मिलता है। तो उसका मेन सॉकेट यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो ये डोम, ये H4 लाइट यहाँ पे फिक्स होता है। तो फिलहाल के लिए ये जो बंदा है और ये डोमिनर का हेडलाइट लगाना चाहता है, इसलिए ये ऐसा ही रखा हूँ। तो फिलहाल के लिए उसने बोला है कि ये जो टैंक है यहाँ पे, ये टैंक रिप्लेस करना है और इसका सिर्फ ये पार्ट और राइट साइड का ये पार्ट, यहाँ पे ये दो पार्ट नया डाला तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाला पार्ट ये ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, सिर्फ ये छोटा मोटा स्क्रैचेस यहाँ पे पड़ा है, इसलिए ये फुल चेंज करना चाहता है। और ये फुल टैंक आता है और इसका प्राइसिंग 5800 है MRP, ओरिजिनल बजाज ओई स्पेयर। और एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि ये जो हैंडल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ये KTM का हैंडल बार किट यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये भी एक साइड यहाँ पे मिरर आप देख सकते हो, पूरी तरह से यहाँ पे घिस चुका है। और यहाँ पे ये जो लीवर है फ्रंट ब्रेक वाला, तो ये भी यहाँ पे एक साइड से घिस चुका है और ये टोटली बेंड हो चुका है, ये भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर भी पीछे वाला यहाँ पे कंडीशन देखा जाए तो पीछे की तरफ यहाँ पे करेक्ट है, पीछे की तरफ कुछ भी मेजर लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है। सो इंडिकेटर भी यहाँ पे करेक्ट है, सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे डैमेज देखने के लिए मिलता है। ये KTM का 250 का मडगार्ड है, तो ये भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, डैमेज नहीं हुआ है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अंडरबेली जो मैंने लगाया था ये लास्ट वीडियो, तो ये भी यहाँ पे कट चुका है, तो ये यहाँ पे फुल बेंट हो चुका है। सो ये भाई ने प्लान किया है, वो बड़ा वाला रहता है क्रैश गार्ड, इंजन क्रैश गार्ड, सो वो लगाना चाहता है, इसलिए ये सब हटा देंगे, वो बड़ा वाला लगा देंगे। सो और यहाँ पे कुछ लॉस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ बस इतना ही, हेड और ये जो टैंक, ये दोनों मेजर लॉस थे यहाँ पे। सो यहाँ पे हेड का प्राइस मेरे को ठीक से नहीं पता, डोमिनर का यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, तो फिर फाइनल कॉस्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे इसका टैंक का फुल पार्ट यहाँ पे 5800 है, फुल यहाँ पे असेंबली आ जाता है ओरिजिनल बजाज और विदाउट पल्सर TD लोगो, और एक लोगो के लिए 300 रुपीज पर है, पर लोगो 300 रुपीज, तो लोगो भी मिल सकता है आराम से। असेंबली का ओरिजिनल पार्ट आता है बजाज वाला, सो उसमें ये जो टैंक का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इतना सा पार्ट नहीं आता है, ये पार्ट अगर लेना चाहते हो तो ये दूसरा आता है पार्ट, ये और ये जो कीस है, ये तीनों कीस अलग अलग खरीदना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए तो टैंक अभी स्टॉक अवेलेबल है, सो अभी 1x1 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे सभी। तो यहाँ पे जो हेड का मास्क रहता है, ये भी ये मेरे को लगता है 300 का एक पीस रहेगा, तो ये भी मिल जाता है। तो सभी NS का जो ओरिजिनल बजाज पैस है वो मेरे पास मिल जाता है, अगर किसी को भी चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक, वो वहाँ पे जाके आप DM करके ऑर्डर कर सकते हो इजीली। सभी तरह के पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको KTM का पार्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है इजीली।
तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो बाइक है ये डेड नहीं हुआ है, और इसका की लगाया तो यहाँ पे इग्निशन भी ऑन होता है, एक किल स्विच भी ऑन होता है, और ये जो फ्यूल पंप है वो भी वर्किंग है। एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, न्यूट्रल कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हो ये इजीली स्टार्ट होता है। तो इंजन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बाहर का जो आउटर पार्ट है वही यहाँ पे डैमेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हो चुकी है नेक्स्ट डे, तो कल मैंने शूट किया था इस वीडियो के बारे में, तो आज सुबह मॉर्निंग में काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी पहले ये लंकी ले रहा हूँ मैं, आप तो बोर्ड दे सकते हो यहाँ पे, ये दोनों लूज कर लेना है पहले। तो और एक बोर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे ये कवर्ड है, छोटा सा गैप है, निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर की तरफ ये भी लूज कर लेना है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक छोटा सा क्लैंप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला बोल्ट। तो ये बोल्ट लूज कर लेना है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे काम कर लेना है। तो यहाँ पर भी सेम, तो जो बोल्ट है वो यहाँ पे मिलता है। सो ये तो बोल्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, ये और ये इस तरफ से, सो बंद करेंगे तो ये सीधा पे जाएगा। तो यहाँ पे बोल्ट आप देख सकते हो, मैं ये रुक कर लेता हूँ, एक हाथ से काम करना पॉसिबल नहीं है, सो एक तो भी आ गया क्योंकि दोनों से काम किया बहुत फास्ट होता है, सो मैं बात करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कैसे बताया छोटा वाला डबल, सो वो भी निकल लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे बोल्ट जाते हैं। तो यहाँ पे 10 बोल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो उसमें से 6 एलन के बोल्ट और 4 ऐसा नॉर्मल बोल्ट, तो आराम से ये निकल जाता है। सो इसका इम्पैक्ट वाला जो पार्ट है वो अभी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्पैक्ट वाला पार्ट, तो ये जो मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा हूँ ये फ्रंट वाला लीवर है, ब्रेक लीवर। तो इसका जो स्टॉक वाला है वो बेंड होके और थोड़ा सा घिस गया था, ये पूरी तरह से बेंड हुआ था और ब्रेक नहीं लग रहा था, तो इसके लिए ये पूरी तरह से हम अभी रिप्लेस करेंगे। पैकेट के अंदर यहाँ पे एक लीवर और एक नट बोल्ट यहाँ पे मिल जाता है, और एक छोटा सा ग्रीस का पैकेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो ओल्ड वाला है सो वो अभी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको लगेगा 10 नंबर वाला, तो 10 नंबर वाला यहाँ पे बोल्ट लगता है, सो वो अभी हम निकालेंगे। सो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, जस्ट वो नट बोल्ट निकाल के यहाँ पे न्यू वाला फिक्स कर लेना है।
मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये रहा नया वाला जो फुल्ली टैंक जो ब्रैकेट के साथ में आता है, ये फुल असेंबल टैंक है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो साइड का जो पैनल है उसमें 200 का जो स्टिकर है सो वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो पल्सर का 3D लोगो है सो वो यहाँ पे अलग खरीदना पड़ता है। सो ये टैंक का इन दी बॉक्स नहीं आता है, सो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे खरीदना पड़ता है। सो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे टैंक लगता है। सो इसका भी थोड़ा सा वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। सो बिल्कुल हम जो ओल्ड वाला जो टैंक का कवर है सो वो रिमूव किया था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे फिट कर लेना है। डायरेक्ट फिट यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको टैंक का कलर और सीट कवर का कलर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये जो NS का फुल पार्ट है वो सभी बाइक में फिट हो जाता है। सभी मतलब जो NS का सीरीज है। सो अगर आपको 200 का पार्ट 125 में लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट फिट यहाँ पे हो जाता है। और सिर्फ पार्ट्स आपको अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि पार्ट्स का स्टॉकेज बहुत जगह नहीं मिलता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिर्फ ग्रे टैंक लगाना था इसलिए मैं ग्रे टैंक ही लगा ली। और यहाँ पे आप ब्लैक भी लगा सकते हो, जो नया वाला NS जो मॉडल है NS 200 जो नया मॉडल है रेड एंड ब्लैक वाला, सो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो दिक्कत हो जाता है कब जब आप RC में जो लिखा रहता है कलर, सो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है सो पुलिस की वजह से। सो छोटके और कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे RC का जो प्रॉब्लम है वही है। आप रैप भी कर सकते हो ब्लैक रैप, सो पैसा यहाँ पे फालतू का वेस्ट होता है इसलिए आप ब्लैक रैप भी करके आप कर सकते हो इजीली। सो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है टैंक। तो नेक्स्ट ये जो मॉडिफिकेशन मैं अभी कर रहा हूँ ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉडिफिकेशन है। सो ये जो लाइट आप देख सकते हो हेडलाइट, ये डोमिनर का है। सो ये डोम आप देख सकते हो, ये डोम NS वाला है। सो इसके अंदर जो डोमिनर का हेडलाइट है ये मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ। सो इसका जो फाइनल प्राइस है, सो फाइनल प्राइस यहाँ पे 8000 आता है टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट। सो 8000 अगर आपको किसी को भी लेना है तो आप DM कर सकते हो, फ्री शिपिंग में करके दूंगा 8000 पे। सो आपको अगर आपको ओनली LED चाहिए तो आप LED भी ले सकते हो, उसका प्राइसिंग है 6000। सो 6000 पे भी मैं कुछ तो डिस्काउंट दे दूंगा। सो फिर भी अभी ये जो लाइट है सो ये NS पे हम फिट करेंगे। सो इसके लिए सो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको जो ऊपर वाला फेयरिंग है सो ये भी नया वाला है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो मैं अभी वीडियो पे दिखा रहा हूँ। सो ऊपर की तरफ 2 बोल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सो नीचे में 1 स्क्रू बोल्ट देखने के लिए मिलता है, और वो तीनों बोल्ट आपको फिट रखना है नहीं तो आपका जो बाइक है सो हायर RPM पे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, इसलिए आपको जो तीनों बोल्ट है वो बहुत टाइट रखना है। तो मैं अभी एक बार दिखाता हूँ। सो ये थोड़ा इंस्टॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसका जो फेयरिंग है सो वो थोड़ा सा हार्ड आता है। सो फिर भी मैं बहुत कोशिश किया डालने के लिए, बाद में फाइनली वो अभी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। तो ये रहा 10 नंबर का बोल्ट, सो ये मैं अभी पूरी तरह से फिक्स कर चुका हूँ। सो पीछे यहाँ पे वायरिंग देखने के लिए मिलता है, सो इसका जो वायरिंग है सो अभी मैं डिटेल में बता देता हूँ कौन सी वायरिंग कहाँ पे करना है। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं लगा रखा हूँ ये 75mm का जो पाइप का कैप रहता है PVC पाइप, उसका कैप पे यहाँ पे लगाया हूँ। आप चाहो तो वो रबर वाला पार्ट भी आप डाल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं वायरिंग का जो पार्ट है सो वो अभी छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करके ऊपर की तरफ मैं कैप लगा रहा हूँ। सो ये टोटली सील करना है। अगर आप रेनी सीजन के टाइम पे जो बाइक आप चलाते हो सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं इसका वायरिंग एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो वायरिंग के लिए आपको जो H4 का हेडलैम्प है नॉर्मल स्टॉक NS का सो वो यहाँ पे वायरिंग लेना है। सो फिर यहाँ पे इसका जो डोमिनर का हेडलाइट है उसका अंदर जो 6 वायर निकाल के आता है और 2 यहाँ पे एक कपलिंग निकाल के आता है, वो कपलिंग ये रेड कलर वाला, सो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, वो आप कट करके भी निकाल के फेंक सकते हो। सो यहाँ पे मेन जो वायर है सो वो यहाँ पे 6 वायर यूज़ होंगे। सो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये H4 LED लैंप का वाला पार्ट है, और ये दो पैर से यहाँ पे दिख रहे हो ये पायलट लैंप का है। सो यहाँ पे जो ब्लैक एंड येलो यहाँ पे जो वायर है वो दिख रहा है, सो वो वहाँ पे कनेक्ट कर देना है जो डोमिनर का हेडलाइट पे जो आने वाला ब्लैक एंड येलो वायर, सो वो यहाँ पे फिक्स कर लेना है। सो यहाँ पे बीच में जो रेड एंड येलो वायर आप देख सकते हो H4 वाला, सो वो आप पे कनेक्ट कर लेना है डोमिनर वाला 2 वायर, एक रेड एंड रेड एंड येलो। सो दोनों पॉजिटिव है सो आप वो दोनों कनेक्ट कर सकते हो।
सो ये जो दो वायर है इसका मेन है। सो और एक वायर वायरिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो कि है रेड, सो रेड एंड ब्लैक। सो वो भी यहाँ पे सेम डोमिनर पे जो आता है रेड एंड ब्लैक वहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तीन वायर और ऑपोजिट में यहाँ पे चार वायर अभी कंप्लीट हो चुका है। सो एक वायर जो बचता है सो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वायर है ब्राउन कलर वाला, सो ये आपको पायलट लैंप पे लगा लेना है, जो NS का स्टॉक पायलट लैंप है उस पर आप लगा लेना है, जो कि रेड कलर पॉजिटिव वायर पे आपको लगाना है, रेड कलर ब्राउन विथ रेड, मतलब जो डोमिनर का जो ब्राउन वायर है वो रेड पे लगाना है, स्टॉक NS का जो वायरिंग है उसमें पायलट लैंप का। लास्ट में और एक वायर देखने के लिए मिलता है जो कि है ब्लैक, सो वो आप कट भी कर सकते हो और नहीं तो ऐसे फोल्ड करके आप टेप भी मार के रख सकते हो, ये वायर किसी काम का नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो और एक यहाँ पे ये जो छोटा सा जो प्लास्टिक वाला क्लैंप है, क्लैंप मतलब ये जो वाइजर है उसका वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए ये लगा हुआ रहता है, सो वो यहाँ पे हम ऊपर फिक्स करेंगे। सो बाद में ये जो मीटर वाला जो पार्ट है, सो ये दोनों बोर्ड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने के लिए मिलता है, सो वीडियो पे आप इजीली लगा सकते हो, एक बार वीडियो जरूर से कम्प्लीट देखना। तो ऑलरेडी मेरा चैनल पे यहाँ पे डोमिनर का जो हेडलाइट है वो मैं कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सो इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट अभी इंक्लूडिंग करूँगा, तो ये जो मीटर है तो ये फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा आप जाके, तो मेरा और एक वीडियो है डोमिनर का हेडलाइट फॉर NS वो सेपरेट में किया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जो डोमिनर का हेडलाइट है आपको लेना है तो मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इंस्टाग्राम का लिंक। तो इसका प्राइसिंग होने वाला है विथ डोम फिक्स 8000, तो शिपिंग भी मैं इंक्लूडिंग शिपिंग में करके देता हूँ, सो 8000 इसका फाइनल कॉस्ट होने वाला है। जो LED अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर का पार्ट जो कि डोमिनर का हेडलाइट ओनली LED, सो LED को आपको 6000 में मिलेगा, तो फुल असेंबल 8000। सो अगर आपको चाहिए तो मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा आपका एड्रेस पे। अभी हम थोड़ा सा वायरिंग वाला पार्ट क्लियर करेंगे। सो ये जो मीटर वाला जो पार्ट है, जो वायर है, सो ये राइट साइड पे आपको जो इंडिकेटर मिलता है ग्रे वाला वहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और ग्रीन लेफ्ट वाला। सो जो मीटर से आया हुआ जो ग्रीन कलर और एक सॉकेट देखने के लिए मिलता है, तो वो यहाँ पे H4 जो LED लैंप है, सो डोमिनर का आने वाला जो हेड लैंप वो वहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ये जो दो पार्किंग बल्ब ये भी यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिक्स कर देता हूँ डायरेक्टली। सो अगर ये भी आपको लेना चाहते हो ये मेरे को DM कर सकते हो, इसका प्राइसिंग होने वाला है 220 rupees स्पेयर्स प्लस 50 इसका एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस, सो टोटल 270। DM करके आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। सो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेप यूज़ कर रहा हूँ, छोटा सा टेप, सो क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको ये लाइट वापस निकालना है तो ये अंदर फंसे ना, इसके लिए मैं यहाँ पे टेप यूज़ कर रहा हूँ छोटा सा। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो NS का स्टॉक वाइजर है सो वो यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर से आने वाला है डोमिनर का वाइजर वो बाद में लगा लेंगे, तो फिलहाल के लिए ये स्टॉक वाइजर मैं अभी डाल लेता हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक आप चेकआउट कर सकते हो, एकदम खतरनाक सा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हेडलाइट। तो एक बार हम इंस्टॉल करेंगे बाद में देखेंगे, और तगड़ा यहाँ पे लुक देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे क्लैंप्स, सो यहाँ पे हेड थोड़ा डाउन कर लेना है, तो यहाँ पे हम दो क्लैंप्स यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे लगने वाला है। सो ये जो क्लैंप है तो अभी इसका लेंथ लेते हैं, और लेंथ के हिसाब से हम अभी क्लैंप रेडी करेंगे। तो क्लैंप के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका जो मेजरमेंट है वो लेना पड़ेगा। अगर आपको क्लैंप्स भी चाहिए तो मैं पर्सनली करके देता हूँ, रेडी करके दूंगा, तो अगर चाहिए तो मेरे को DM कर सकते हो। तो ये रहा जो हेडलैम्प का क्लैंप, सो ये जो क्लैंप है सो एक साइड आपको जो चेसी है वहाँ पे लगाना है, और एक साइड जो हेडलैम्प का जो बोल्ट आता है 10 नंबर वाला सो वहाँ पे लगाना है। ये जो छोटा सा बोल्ट आप दे सकते हो ये नीचे की तरफ जो स्टॉक हेडलाइट में आता है, सो वही यहाँ पे लगा लेना है। गाइस आप मेरा वीडियो देखते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो अगर आपको मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो मोस्टली मैं ज़्यादातर मैं NS का रिलेटेड बनाता हूँ, सो अगर आप NS का रिलेटेड कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए, आगे चल के जो अपडेट्स है आपको मिलता ही रहेगा। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे DM करना मत भूलना, अगर पार्ट्स आपको चाहिए तो कोई सा भी पार्ट्स आपको लेना है तो प्लीज़ DM नहीं, ऑल्सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ गाइज, सो प्लीज़ गिव अ स्मॉल सपोर्ट फॉर मी, सो थैंक यू फॉर देट।
सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे जो हेडलाइट का जो साइड फेयरिंग है, साइड फेयरिंग मतलब जो छोटा सा पार्ट आता है कवरिंग के लिए, सो वो भी यहाँ पे कट कर लेना है। सो ये मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लेता हूँ, सो उसके लिए यहाँ पे मार्किंग कर लिया हूँ। सो मार्किंग होने के बाद अभी हम कट करेंगे एंगल ग्राइंडर से। तो ये हो चुका है यहाँ पे कट, सो अभी हम इस पर डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे क्लैंप इंस्टॉल करेंगे। सो क्लैंप के लिए यहाँ पे मैं मार्केट से ले आया 1.5 इंच का जो 14 नंबर का नट बोल्ट। सो उस नट बोल्ट से यहाँ पे हम डायरेक्टली ये फिक्स कर सकते हैं। सो इसके लिए एक छोटा सा वॉशर लगेगा, सो वॉशर लगा के वो अभी हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो वायरिंग के लिए यहाँ पे दो सॉकेट हैं, सो ये जो मीटर वाला सॉकेट, सो कम्प्लीट ये ECU से आया हुआ सॉकेट है, सो वो अभी हम कनेक्शन कर लेंगे। सो दोनों ब्लैक हैं, तो ब्लैक में ब्लैक का भी हम कनेक्ट करेंगे। ब्लैक होने के बाद यहाँ पे वाइट कनेक्ट करेंगे। सो वाइट यहाँ पे मेल फीमेल कनेक्ट करने के बाद सो लास्ट में मिलता है ब्लैक एंड वाइट, सो दोनों यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। सो एट दी एंड यहाँ पे ये जो क्लैंप है अभी हम पूरी तरह से फिट यहाँ पे कर चुके हैं। सो उसके लिए मैं अभी और एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कहाँ पे ये जो फिक्स हुआ है। सो बिल्कुल ईजी यहाँ पे प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, सो करने में थोड़ा सा ईजी है। सो अगर आप क्लैंप चाहिए तो आप मैं आपको भेज दूँगा, सो उसके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रख के ये करना पड़ेगा, यहाँ पे तो अर्जेंटली यहाँ पे करना नहीं है। तो थोड़ा सा इधर उधर होएगा तो ये हेडलाइट का पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे करना है। जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है इंडिकेटर्स चेंज करने के लिए, सो ऑलरेडी इसमें इंडिकेटर्स था, तो स्टॉक इंडिकेटर्स था उसमें जो बल्ब चेंज किया हुआ। सो मैंने अभी प्रीफर किया है LED इंडिकेटर्स लगाने के लिए, फुल्ली LED। सो उसके लिए मैं अभी इसका टेल टाइडी है, ये मैं टेल टाइडी निकाल लेता हूँ। सो ये जो टेल टाइडी आप देख सकते हो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। सो टेल टाइडी का प्राइस होने वाला है 350 रुपीज़, सो फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, तो फ्री शिपिंग मैं करके देता हूँ ओनली टेल टाइडी। सो अगर आपको LED इंडिकेटर्स लेना है तो वो भी आप DM कर सकते हो। सो ओरिजिनल में प्रीफर नहीं किया क्योंकि ओरिजिनल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2500 हो जाता है चारों मिला के। सो ये तो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है कि इसका जो प्राइस है ये 700 प्राइस है उसका, 700 रुपीज़ पेयर्स। सो अगर आपको चाहिए तो शिपिंग अलग सा होगा। और ये इसका जो ब्राइटनेस है वो तो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल आपको जो ओरिजिनल इंडिकेटर आता है उससे ज़्यादा यहाँ पे ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। तो फाइनल ये अभी कंप्लीट हो चुका है, हेड थोड़ा सा डाउन करेंगे, थोड़ा हल्का यहाँ पे नीचे की तरफ दबाना है, थोड़ा प्रेस करना है। तो अभी ये डाउन हो चुका है, तो इसके लिए हम अभी चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग के लिए यहाँ पे जो हेडलाइट है उसका पोजीशन आपको जो डिमर डिपर है तो वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपल जो बीम है वो नीचे करना है। तो फाइनली यहाँ पे और एक काम बचा है जो कि जो पल्सर का लोगो है 3D लोगो, तो वो यहाँ पे टैंक पे लगाना बाकी है, तो ये सेपरेटली यहाँ पे खरीदना पड़ता है। तो इसका जो प्राइसिंग है ये 350 रुपीज़ पर लोगो है, तो अगर आप चाहे तो आप DM कर सकते हो, ओरिजिनल लोगो है। सो विथ बॉक्स में यहाँ पे दे देता हूँ, सो शिपिंग आपको अलग सा करना पड़ेगा। तो इसका जो लोगो है ये थोड़ा सा चेंज है, जो नया मॉडल जो आया था BS7 रेड एंड ब्लैक, तो उसी मॉडल का जो ये लोगो है, तो बहुत अच्छा दिखता है देखने के लिए। सो अभी हम इंस्टॉल करेंगे, तो अभी इसका फाइनल पार्ट अभी इंस्टॉल करेंगे। जो सभी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, बाइक भी पूरी तरह से रिस्टोर अभी हो चुका है। सो फाइनल जो है डोमिनार का वाइज़र, सो डोमिनार का वाइज़र अभी हम इस पर फिट करेंगे। सो पहले हम मार्किंग कर लेंगे कहाँ पे हमको होल चाहिए, सो उसके लिए हम पहले यहाँ पे डोम रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। सो होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ड्रिल करेंगे। अगर आपको डोमिनार का जो वाइज़र है आपको लेना है तो मेरे को DM कर सकती हो। इसका प्राइसिंग होने वाला है 450 रुपीज़ और उसका शिपिंग चार्जेस होने वाला है तकरीबन 100 रुपीज़, तो टोटल 550 हो जाएगा। सो अगर आपको लेना है तो मेरे को पर्सनली DM कर सकते हो। ओरिजिनल बजाज OE स्पेयर्स तो आपको लेना है तो DM कर सकते हो। अभी बैक का काम अभी कंप्लीट हो चुका है पूरे तरह से, सो इसका मैं हेडलाइट का जो व्यू है सो वो अभी मैं दिखा देता हूँ, कितना ये कितना दूर तक इसका जो हेडलाइट का जो रेस है कितना दूर तक ये जाता है। सो उसके लिए आपको जस्ट आपको की ऑन करने के लिए DRL यहाँ पे ऑन होगा। सो वो होने के बाद यहाँ पे आपको डिमर और डिफर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं की है, सो बाद में फिर कभी देखेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट यहाँ पे ऑन ऑफ और हेडलाइट को ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। सो हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको जो हेडलाइट है
सॉरी जो इंजन है आपको स्टार्ट करना होगा। सो इंजन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हेडलाइट ऑन हो जाता है। सो उसका रेस आप इसका जो बीम है आप देख सकते हो कितना यहाँ पे दूरी तक जा सकता है इसका बीम। तो अभी इसका करेंगे ओवरऑल व्यू। सो यहाँ पे फ्रंट में आपको KTM का मडगार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और RC अंडरबेली और साइड का जो इंजन का क्रैश गार्ड स्टॉक क्रैश गार्ड और पीछे की तरफ यहाँ पे छोटा सा बेंट हुआ था ये ब्रेक लीवर रियर ब्रेक लीवर वो पे हम फिटिंग की है। सो यहाँ पे ये जो नंबर प्लेट आप देख सकते हो इसके ऊपर की तरफ दो इंडिकेटर से वो पे हम रिप्लेस किए इंडिकेटर्स। सो वो होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ टैंक सो उसका टैंक आप देख सकते हो और ये लोगो और आगे की तरफ यहाँ पे डोमिनार का वाइजर और हेडलाइट और फ्रंट वाला इंडिकेटर्स। सो कुछ जितना सा पार्ट यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रखा है और रिस्टोरेशन अभी पूरी तरह से हो चुका है। सो इसका फाइनल कॉस्ट निकल के आता है 20,000। सो हेडलाइट्स अभी ऐड करके 20,000 हो जाता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन। और अभी मैं जितना भी मैं मॉडिफिकेशन कर रखा हूँ आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो और सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैं बनाया हूँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और डोमिनोर का हेडलाइट का रिलेटेड जो मैं वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया हूँ वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी डिटेल वीडियो है और सभी बाइक का स्पेयर्स मेरे पास अवेलेबल है। और फटाफट जाके आप DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर।